हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आ गए हैं आपके सामने एक वीडियो लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ अलग ही होने वाला है। आज का जो टॉपिक है हम आपको बता देते हैं कि किस बारे में है। तो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी नया यूट्यूबर है उसको अपने वीडियो में टैग्स लगाना होता है ताकि उसका वीडियो हर जगह यूट्यूब सर्च में उसका वीडियो आगे आए। तो टैग्स हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आता है दिमाग में कि कैसे हम टैग्स कहाँ से कैसे लगाएं, कैसे करें। तो ये सब जो जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा परेशानी होता है खोजने में। तो आज का वीडियो उनकी यही परेशानी को कम करने के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, तभी आप जान पाओगे कि टैग्स हमने कैसे लगाना है, कहाँ से हम टैग्स ला सकते हैं अपने जो वीडियो बनाया हुआ है। तो उसके लिए जो प्रॉपर टैग है वो आप कहाँ से ले सकते हो और कैसे लगा सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। वीडियो में आपको टैग्स देना जरूरी रहता है। ये टैग्स क्या होता है इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। ये टैग्स एक शॉर्ट फॉर्म रहता है आपके वीडियो, जैसे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपका वीडियो को सर्च करेगा तो वो टैग्स के हिसाब से ही सर्च होता है। अगर आपके वीडियो पे अच्छा खासा टैग रहेगा जो कि रैंकिंग टैग रहेगा तो आपका वीडियो सर्च लिस्ट में पहले आएगा। तो ये टैग हम कहाँ से लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ये दिमाग में आपका चल रहा होगा। तो ज़्यादा जोड़ मत डालिए, मैं इस वीडियो में आपका ये सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो इसमें हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो कि वहाँ उस वेबसाइट पे अगर आप अपने टैग से रिलेटेड खोजोगे तो आपको आराम से बहुत सारे एक लिस्ट मिल जाते हैं टैग के बारे में। तो वो वेबसाइट का क्या नाम है ये आप चलिए खुद ही हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मोबाइल की स्क्रीन पे मैं पहले आपको एक अपना YouTube का जो YT स्टूडियो होता है वो दिखा देता हूँ। ये हमने अपना जो YT स्टूडियो है उसको ओपन कर लिया है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप कॉन्टैक्ट में हम जाएंगे, मैं सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, जैसे मैंने रिव्यू ऑफ नॉइस स्मार्ट वॉच का बनाया हुआ था तो इसमें इसी से रिलेटेड हम टैग खोजेंगे कि टैग कैसे, तो क्या टैग हम लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें टैग लगाया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोग टैग कहां से और टैग खोज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना एक गूगल का अकाउंट खोल लेंगे। तो आइए हम अपना गूगल का पेज पे चले जाते हैं। गूगल पे, अब गूगल पे जो हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट के बारे में, तो वो वेबसाइट का नाम जो था वो रैपिड टैग था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रैपिड टैग हम लिख लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हम रैपिड टैग लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया है फर्स्ट में YouTube टैग जनरेटर एंड ऑप्टिमाइजर हो गया, उसको ना करकर आप नीचे में जो है रैपिड टैग ग्रो क्विक ऑन YouTube इसको आप प्रेस कर लीजिएगा। तो इसमें आप जैसे लिखते हैं तो आपका ये पेज कुछ इस प्रकार से खुलता है। यूज टूल्स फॉर फ्री है, ठीक है, टैग जनरेटर है, यूज टूल फॉर फ्री। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड यूज टूल्स फॉर फ्री पे हम जाएंगे। यहाँ पर अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये टिकटॉक टैग भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एंटर नेक्स्ट यूट्यूब, तो रैपिड टैग्स खोजने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिख दीजिए सपोज कोई भी आपने जो वीडियो बनाया उससे रिलेटेड अगर आपको टैग चाहिए तो, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ हाउ टू फाइंड प्रॉपर टैग, ठीक है फ्रेंड्स, डन करके इसको हम सर्च करते हैं। तो ये देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास ये सारे कई सारे यहाँ पर टैग आपको मिल गए हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टैग मिलते हैं, शॉर्ट टैग मिलते हैं, उसके बाद मिस स्पेल्ड टैग मिलते हैं। तो ये लॉन्ग
टैग, शॉर्ट टैग और मिस स्पेल टैग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको अगर चाहिए तो। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि हमें टैग कहाँ से कितना मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये एक रैपिड टैग का जो वेबसाइट है, यहाँ से आप बहुत सारा टैग अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए लगा सकते हैं और इसमें प्लेस करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये आप जैसे यहाँ पर कॉपी कर लोगे, ये कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है कि अपना YT स्टूडियो में जाना है और जो वीडियो पे आपको लगाना है वहाँ पर उसको सेलेक्ट करके एडिट करके आप उसमें टैग इजीली लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो रैपिड टैग के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था टैग्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट है टैग से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके बारे में और वीडियो चाहिए तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले आने वाले वीडियो में।